आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुस्तान का वो संगठन जिससे निकले नेता आज देश की सत्ता पर पिछले 10 सालों से राज कर रहे हैं। जिस आरएसएस नाम के संगठन से निकले नेता आज देश की नीति रीति तय कर रहे हैं, उस आरएसएस के बारे में जो कुछ लिखा गया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो उर्दू की किताब है जिसे पुलिस ने प्रयागराज के मदरसे से जब्त किया है। इस किताब के लेखक के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ का नाम लिखा हुआ है। किताब के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर के पन्नों पर क्या कुछ लिखा गया होगा। बताया जा रहा है कि पहले ये किताब सिर्फ उर्दू में छापी गई थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। पुलिस के मुताबिक कार्यवाहक प्रिंसिपल न सिर्फ इस किताब को खुद पढ़ता था बल्कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों को भी पढ़ाता था। किताब के आधार पर ही वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और उनके दिलो दिमाग में आरएसएस को लेकर नफरत भरता था। प्रयागराज के मदरसे में आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली ये किताब उस दिन बरामद की गई जिस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी धर्म समुदाय को साथ लेकर चलने का मंत्र दिया। एक तरफ आरएसएस प्रमुख का ये ज्ञान और दूसरी तरफ मदरसे में पढ़ाया जा रहा नफरत का पाठ। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से कई और आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट मिले हैं। दर्शकों को बता दें कि पिछले महीने 28 तारीख को पुलिस ने प्रयागराज के इस मदरसे में छापेमारी की थी और यहां से नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा किया था। उस दिन 30,000 के नकली नोट भी पुलिस को मिले थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 100-100 के वो नकली नोट डिब्बे में बंद हैं जिसे पुलिस ने बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे उपकरण भी बरामद किए थे। पुलिस ने नकली नोट छापने के केस में प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जो जेल भेजे जा चुके हैं। अब इस आपत्तिजनक साहित्य के मामले में पुलिस उनको रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। इनकी इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंटेरोगेशन में कुछ तथ्य आए हैं और बाकी भी साक्ष्य हम संकलन कर रहे हैं और जो भी इन्वॉल्व होंगे मदरसे के अंदर के लोग हैं या बाहर के, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अतरसुजा इलाके में जामिया हबीबिया नाम का ये मदरसा है, नकली नोट की फैक्ट्री के साथ नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था। मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। पुलिस और राज्य सरकार ने इसके खिलाफ पिछले हफ्ते ही कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। माना जा रहा है कि इसे सील किया जा सकता है। प्रयागराज के सिविल लाइन्स थाने की पुलिस ने पिछले हफ्ते बस स्टैंड के पास से 2 लोगों को पकड़ा, तब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इनकी निशानदेही पर मदरसे में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कार्यवाहक प्रिंसिपल और मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 2 पूर्व छात्र हैं। इस चर्चित मामले में अब दूसरी जांच एजेंसियों की भी एंट्री शुरू हो गई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.